नमस्कार, न्यूज वन इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तनवीर रिजवी अपने एक दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे, जिसका बीजेपी पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। उनके साथ ही बता दें कि MMC जितेंद्र सिंह सेगर भी मौजूद रहे हैं, और साथ ही उनके द्वारा चरखारी कस्बे में संचालित मदरसा मोहम्मदिया में भी आयोजित जनसभा में मुस्लिम समाज को संबोधित किया है। यही नहीं, उन्होंने इस मौके पर कहा है कि मदरसों की बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था को लेकर पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा मदरसों का सर्वे किया गया है, जिसका परिणाम भी देखने को लग रहा है। देखिए, मदरसा शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सरकार ने बोर्ड स्थापित किया है मदरसा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। हम इसका अच्छे से अच्छा सिलेबस बनाते हैं, एग्ज़ाम को इस तरह से कराते हैं कि वो नकल मुक्त हो, और कहीं ना कहीं मदरसे की शिक्षा प्रणाली में जो गुणवत्ता होनी चाहिए उस गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं कि ये मदरसा शिक्षा प्रणाली भी उसी तरह चले जिस तरह से दूसरे बोर्ड अपनी शिक्षा। जनपद के विकास कार्यों के स्थलीय वार्षिक बता दें कि वार्षिक निरीक्षण के लिए चित्रकूट धाम मंडल में आयुक्त RP सिंह महोबा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर के औचक निरीक्षण के बाद ही शहर कोतवाली का निरीक्षण किया। तो वहीं नगर पालिका का भी निरीक्षण किया गया है। इस दौरान उन्होंने सर्विस बुक को पेंडिंग देखकर नाराजगी जाहिर की है, जिसको लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी धनेंद्र कुमार ने 1 महीने में सर्विस बुक कंप्लीट करने के निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, आगे लापरवाही मिलने पर विभागीय कार्रवाई की भी बात कही गई है। ये वार्षिक निरीक्षण है, मैंने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया, कोतवाली का निरीक्षण किया, और इस समय आप देख रहे हैं कि नगर पालिका परिषद में मैं मौजूद हूँ। कलेक्ट्रेट के निरीक्षण में सब कुछ ठीक था, थोड़ा बहुत मुकदमों के निस्तारण में गुंजाइश थी जिसमें इनको और मेहनत करने की ज़रूरत थी। DM साहब ने खुद भी इंस्ट्रक्शन दे रखा है SDMs को, तहसीलदारों को। आज मैंने भी कहा कि इसको और शीघ्रता से निस्तारित करिए ताकि पुराने बात सब निपट जाएँ। बाकी कलेक्ट्रेट के निरीक्षण में हर चीज़ बिल्कुल दुरुस्त पाई गई। कोतवाली के निरीक्षण में सब कुछ ठीक था, सारे रजिस्टर बने हुए हैं, असलहे सब साफ़ सुथरे हैं, ड्यूटीज लगी हुई हैं, गुंडा गंगेस्टर हिस्ट्री सीट इनके रजिस्टर मेंटेन मिले, इंस्पेक्टर का काम अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा है। नगर पालिका में साफ़ सुथरा तो है, आप देख रहे हैं EO नए आए हैं सिकोहाबाद से, काम कर रहे हैं। पहले से गड़बड़ है तो थोड़ा सुधारने में टाइम लगेगा। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के बाद से इसे लेकर सनातनियों में आक्रोश बढ़ा हुआ है। इसी कड़ी में रायबरेली की सड़कों पर सैकड़ों की हिंदुओं ने उतरकर टिप्पणी पर विरोध, बता दें कि विरोध स्वरूप जनजागरण और साथ ही शोभा यात्रा निकाली है। श्री परशुराम जन चेतना मंच के बैनर तले आयोजित जनजागरण यात्रा, बता दें कि जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर से निकलकर हाथी पार्क तक पहुंची, जहां पर सैकड़ों की तादाद में जुटे सनातनियों ने इसका भव्य स्वागत किया है। श्री परशुराम जन चेतना मंच के प्रदेश अध्यक्ष राकेश तिवारी ने इस मौके पर कहा है कि रामचरितमानस द्वारा धार्मिक ग्रंथ है, इसका विरोध कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि इसके विरोध करने वालों का सर्वनाश हो जाएगा। महोबा शहर के भीतरकोट इलाके में बता दें कि मामूली कहासुनी के विवाद में दो पक्षों के बीच धक्का मुक्की और झड़प देखने को मिली है। दोनों संप्रदाय के बीच विवाद होने की सूचना पर CO सिटी सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, वहीं पुलिस तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कह रही है। विवाद दोनों संप्रदाय के बीच होने के चलते कानून व्यवस्था और
उक्त स्थान पर एहतियात पुलिस बल लगाया गया है। कॉलेज के शिक्षकों कर्मचारियों पर छात्रों से अवैध वसूली का आरोप लग रहा है। दरअसल रोल नंबर देने के नाम पर छात्रों से वसूल रुपए लिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। छपरौली थाना क्षेत्र के लबु गांव के मौजूद इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला सामने आया है। बता दें कि ये पूरा मामला जहाँ पर शिक्षक वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं और रोल नंबर को लेकर यहाँ पर छात्रों से वसूली का लगातार आरोप लगाया जा रहा है। छपरौली थाना क्षेत्र के लूप गांव में मौजूद इंटर कॉलेज का यह पूरा मामला है, जहाँ पर शिक्षक, जिसे कहीं ना कहीं एक भगवान का रूप दिया जाता है, और लगातार शिक्षक पर एक छात्र एक विश्वास करता हुआ नजर आता है, वही शिक्षक जब अवैध वसूली करता हुआ नजर आता है तो कहीं ना कहीं ये एक शिक्षा विभाग पर भी तमाम सवाल खड़े करता है। किस तरीके से शिक्षकों के ये वसूली का वीडियो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें रोल नंबर को लेकर छात्रों से लगातार वसूली की जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ ये शिक्षक महोदय वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं छात्रों से, और रोल नंबर को लेकर ये वसूली कर रहे हैं। बता दें कि पूरा मामला छपरौली थाना क्षेत्र के लूप गांव में मौजूद इंटर कॉलेज का है, जहां पर लगातार छात्र से वसूली की जा रही है। और इस वायरल वीडियो के आने के बाद से लगातार शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि शिक्षकों की इतनी हिम्मत कहां से हो जाती है कि वे छात्रों से वसूली कर सके, और इस पर अब आगे प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। ऐतिहासिक लक्ष्मी तालाब को सुरक्षित करने के लिए एनजीटी के आदेश के तहत हो रही प्रशासनिक कार्रवाई को बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने कटघरे में खड़ा करते हुए साफ किया है कि प्रशासन द्वारा लक्ष्मी तालाब की नपाई के नाम पर धार्मिक स्थानों को निशाना बनाकर मूल अतिक्रमण को बचाने की कोशिश की जा रही है। बताते चले कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के तहत जिला प्रशासन लक्ष्मी तालाब के निकट बने एक मजार और मंदिर को तोड़ने की लिए तीन बार कोशिश किया जा चुका है, लेकिन तीनों बार उसे भारी जन विरोध का सामना करना पड़ा। इस संबंध में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भानु सहायक, राष्ट्र भक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अर्जुया, और बता दें कि एनजीटी के याचिका दायर करने के लिए गिरजा शंकर राय, मुस्लिम समाज की ओर से सूफी असलम खान, साथ ही मोहम्मद कलाम कुरैसी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया है कि महारानी लक्ष्मीबाई के समय में बनाए गए लक्ष्मी तालाब में भरी जहरीले पानी के निकाले जाने से तालाब के सुंदरीकरण कार्य कराए जाने और साथ ही ताल की भूमि की नपाई किए जाने को लेकर आंदोलन लंबे समय से किया जा रहा है। बात को सुलझाने का प्रयास करते हुए भानु सहाय अध्यक्ष बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा द्वारा दोनों पक्षों से वार्ता कर झांसी के हिंदू मुस्लिम एकता सौहार्द बनाए रखने और साथ ही प्राचीन मंदिर मजार को बचाने की सहमति बनाई गई है। और बता दें कि झांसी का ये पूरा मामला है जहां पर अतिक्रमण को बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है, और पूरा मामला आपको विस्तार से बता दें जहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए गिरजा शंकर राय, मुस्लिम समाज की ओर से सूफी असलम खान और साथ ही मोहम्मद कलाम कुरैसी ने ये तमाम बातें साझा की है। और साथ ही बता दें आपको कि ये मामला है जहाँ पर लगातार तालाब को सुरक्षित कराने को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ऐतिहासिक लक्ष्मी तालाब को सुरक्षित करने के लेकर ये एनजीटी के आदेश के तहत हो रही प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रही है, और इसको लेकर तमाम अतिक्रमण को लेकर तमाम तरह के सवाल जवाब भी हो रहे हैं, और इस तालाब को किस तरीके से साफ कराया जाए और इसको लेकर क्या कुछ सख्ती अपनाई जाए, इसको लेकर भी विचार विमर्श लगातार जारी है।
चलिए ताजा मामला जिला झांसी के तहसील गरोठा अंतर्गत ग्राम की कचवीर का है, जहां पर बता दें कि सफेद पोश नेता द्वारा निजी भूमि पट्टे के नाम पर एनजीटी गाइडलाइन के बता दें कि विपरीत खेत से ही निर्धारित मात्रा में अधिक बालू खोदकर बड़े बड़े कुएं नुमा गड्ढे बनाए जा रहे हैं। बता दें कि जिम्मेदार अधिकारी की मेहरबानी से बगैर कैमरा, बगैर कांटे और साथ ही बगैर स्कैनर के धड़ल्ले से एनआर गाड़ियां दौड़ रही है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि ओटीपी जारी होने के पहले ही सफेद पोश नेता ने लगभग 50 ट्रक से ऊपर बालू सिस्टम के तहत बेच डाली है। इससे पहले भी सफेद पोश नेता ने निजी स्वार्थ सिद्ध कराने के लेकर ग्राम धमनौड में भी जमकर अवैध तरीके से खनन कर सरकार को लाखों रुपए का राजस्व का चूना लगा डाला था। सबसे बड़ी बात यह है कि समाचार ये सामने आने के बाद भी और तमाम सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें आगे आने के बावजूद भी अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है, लेकिन ये झांसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर लगातार अवैध खनन का काम जो है वो जोर से चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन प्रशासन का ये मौन रवैया लोगों को लगातार परेशान करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अवैध खनन वहाँ चल रहा है और यहाँ पर कुएँ के रूप गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, जहां से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री और साथ ही गैस्ट्री में मौजूद सपा विधायक एसपी यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर वाराणसी में हमले और गाड़ी में स्याही फेंके जाने की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो शोषित समाज सड़कों पर आएगा। सपा कैंप कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री एसपी यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चीज नहीं हो रही है। आरक्षकत्व बता दें कि साथ ही जनप्रतिनिधियों पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ अराजकतत्व देश के गरीब दलित पिछड़े की आवाज को उठाने वाले को डराना चाह रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग किसी से डरने वाले नहीं है। लगातार दबे कुचले की आवाज वे उठाते रहे हैं। पूर्व मंत्री ने कहा है कि संविधान में सबको बोलने और विरोध का अधिकार दिया गया है, किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। विधायक एसपी यादव ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ना तो रामचरितमानस का विरोध किया और ना ही भगवान राम का विरोध किया है, बल्कि उन्होंने तो सिर्फ उन पंक्तियों का विरोध किया है जिसमें दलित, पिछड़े और साथ ही महिलाओं का अपमान किया गया है। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस की उन पंक्तियों का विरोध सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, इससे पहले भी कई समाज के सुधारक और साथ ही कई लोग कर चुके हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए और उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। महोबा में 7 जन्मों की कस्में खाने वाले पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पत्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि पति द्वारा शराब पीने के लिए मांगे गए पैसे देने से उसने मना कर दिया, जिससे आक्रोशित पति ने 7 जन्मों की कस्मों को भूलकर बता दी कि कुल्हाड़ी से काट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, उसे मौत के घाट उतार दिया। विवाहिता की हत्या की खबर मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पंचनामा लेकर साथ ही बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस लगातार इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और लगातार इस मामले को लेकर और भी विस्तार से जानकारी जुटाने में लगातार जुटी हुई है। एक 13 फरवरी को थारा श्रीनगर क्षेत्र के ग्राम सिजवा में रिंकी नाम की महिला की उसके पति वीरू अशोर द्वारा कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई है। रिंकी की शादी को मात्र 2 वर्ष हुए थे, उसके 1-6 माह का पुत्र भी है। अभियोग पंजीकृत कराकर पंचायतनामा व आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
बदायूं के कस्बा उसावी के बता दें कि एक गायब युवक का शव बरेली नाले में मिलने से हड़कंप मच गया है। एक बता दें कि 1 फरवरी के लिए स्वागत समारोह में शामिल होने के लिए युवक विजय सिंह गया हुआ था, जिसका सोमवार को बरेली थाना सुभाष नगर क्षेत्र में शव नाले में मिलने से हड़कंप समझ गया। वहीं शव की पहचान निवासी कस्बा उसावा बदायूं के रूप में की गई है। थाना पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि परिजनों ने कुछ समय पहले ही 2 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है। पीलीभीत में मुकदमा दर्ज होने के 1.5 महीने से ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी कोतवाली बिसलपुर पुलिस दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पीड़िता ने एसपी से पूरे मामले को लेकर शिकायत की है। दरअसल पीड़िता का कहना है कि वो कोतवाली बिसलपुर क्षेत्र में रहने वाली है और उसके पति की काफ़ी समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। पति के संपत्ति बरेली में है, जिसकी देखरेख के लिए वे बरेली आया जाया करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात बता दें कि मोहन स्वरूप से हुई थी और इस दौरान मोहन स्वरूप ने मीठी मीठी बातें करके और उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और इसके साथ शादी के संबंध बनाने लगा। साथ ही बता दें कि इसके साथ ही पति की संपत्ति बिकवा कर 10 लाख बेटे की नौकरी दिलवाने के नाम से ली गई और बाद में पीड़िता ने लगातार ये कहा है कि आरोपी का अब तक पता नहीं है, वे कहाँ पे है और साथ ही पुलिस से भी लगातार वे मांग करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि 21 दिसंबर 2022 में आरोपी मोहन स्वरूप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गोरखपुर के गुलरिहा गुलड़िया थाना क्षेत्र के भटहट कस्बे में स्थित शिव भक्ति बता दें कि शिव शक्ति गैस एजेंसी के मैनेजर से नाकापोश बाइक सवार बदमाशों ने पैर से ठोकर मारकर गिरा दिया है। साथ ही हथियार के बल पर 6.25 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। बता दें कि मैनेजर ने शोर मचाने पर भी स्थानीय लोग लाठी डंडा लेकर वहाँ पहुँचे। सूचना मिलते ही SP नॉर्थ मनोज अवस्थी और साथ ही SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई और क्राइम ब्रांच के साथ ही NGT जोन जे बता दें कि रविंद्र गौड़ घटनास्थल पर पहुंचे। निरीक्षण उन्होंने किया है और प्राप्त जानकारी के अनुसार खजनी थाना क्षेत्र के बिहारी बाजार निवासी सुनील कुमार पांडे शिव शक्ति गैस एजेंसी में मैनेजर पद पर कार्यरत है। सोमवार को लगभग 4 बजे विड्रॉल भर से कलेक्शन कर 6,24,660 रुपये बैग से रखकर वे अपने बाइक की हैंडल में लटकाकर वे बता दें कि इंडियन बैंक की शाखा भटहट में जमा करने जा रहा था। तभी वो एजेंसी से 100 मीटर आगे ही पहुंचा था कि सामने में बिना नंबर प्लेट के काले रंग की बता दें कि स्प्लेंडर से सवार नाकापोश बदमाश पहुंचे और इस दौरान बदमाशों ने पैर से ठोकर मार दिया और इस दौरान मैनेजर बाइक लेकर गिर पड़ा वहाँ से। आगरा में एक शर्त युवक की मौत का कारण बन गई है। बता दें कि आरोप है कि दोस्तों ने जेब में रखे 60,000 लेने के लिए बेतुकी शर्त रखी थी। जय सिंह 10 मिनट में 3 क्वार्टर शराब पी गया और इसके बाद ही उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन अस्पताल लेकर गए मगर उसे बचा नहीं सके। पुलिस ने शर्त लगाने वाले दोनों दोस्तों को जेल भेज दिया है। वहीं डॉकी के गांव गुड्ढा निवासी सुखवीर सिंह ने ताजगंज थाने के में मुकदमा दर्ज कराया है। सुखवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि उनका भाई जय सिंह घर से 60,000 रुपये लेकर निकला था और उसे ई रिक्शा की किश्त जमा करनी थी और साथ ही जय सिंह का घर ताजगंज क्षेत्र के गांव धंदुपुरा में है।
उन्नाव में आग ने तांडव मचा रखा है। दरअसल संदिग्ध परिस्थिति में छप्पर पे भीषण आग लग गई है। छप्पर से आग लगने से 8 घरों में अपनी चपेट में ले लिया है। भीषण आग ने 8 घरों में लाखों का नुकसान समेत संपत्ति जलकर पूरी तरीके से राख हो गई है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। घटना बगरमऊ क्षेत्र के छतारपुर कोलिया गांव का बताया जा रहा है, जहां आग लगने से 8 जो घर है इसकी चपेट में आ गए हैं और इसको लेकर लगातार अब कार्रवाई की जा रही है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मुरादाबाद के थाना सोनपुर थाना में तैनात 2 महिला सिपाहियों को गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क हादसे में रौंद दिया है। हादसे में दोनों महिला सिपाही की शहीद होने से पूरे परिजनों में कोहराम सा मचा हुआ है। बता दें कि वही साथी सिपाही की आंखों से भी आंसू छलक पड़े हैं। बता दें कि सोनकपुर थाने में तैनात दोनों महिला सिपाही को पोस्टमार्टम के बाद से DIG शलभ माथुर और बता दें कि SSP हेमराज मीना समेत अनेक अफसरों ने पुलिस लाइन परिसर में उनको सलामी देते हुए नजर आए। जालौन में खड़ी मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई है। आग लगने से हड़कंप समझ गया है। वही स्थानीय लोगों ने बता दी कि बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया है। लोगों ने आग का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। घटना उड़ई कोतवाली क्षेत्र के गणेशगंज की बताई जा रही है। देवरिया जिला कुश्ती संघ भारतीय पद्धति की ओर से मेहड़ा पूर्वा स्थित माधव इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी में दंगल का आयोजन किया गया है, जिसमें देवरिया कुमार का खिताब बता दें कि कवटलिया दुर्गम यादव के सिर पर सजा है। वहीं दुर्गम यादव को देवरिया कुमार का खिताब मिलने से उनके गांव में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। ये देवरिया कुश्ती सम्मेलन चल रहा था, जिसमें हमारे वहाँ हमारे नगर पंचायत के दुर्गेश यादव को देवरिया कुमार का खिताब मिला। इससे हमारे क्षेत्र के लोग काफ़ी गौरव है क्षेत्र का और काफ़ी उत्साहित हैं कि हमारे इस मदनपुर नगर पंचायत में एक ऐसा पहलवान है जो देवरिया कुमार का खिताब मिला और कल प्रदेश लेवल और देश लेवल का हम लोगों की शुभकामनाएँ इनके साथ हैं कि देश लेवल का खिताब मिले ताकि हमारे जिले का नाम रोशन हो, हमारे प्रदेश का नाम रोशन हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये पहुँचे ताकि हमारे देश का नाम रोशन हो। और इस मौके पे हमारे मदनपुर के अलावा देवरिया के सभी नगरवासियों के लिए बड़ी हर्ष और उल्लास की बात है कि हमारे इस देवरिया जिले के मदनपुर नगर पंचायत में एक ऐसा पहलवान उभर रहा है जो अपनी कला से इस देवरिया जिले का नाम रोशन कर रहा है। देशवासियों का, अपने ग्राम सभा का और नगर पंचायत मदनपुर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसा सहयोग मिलता रहे और हम आगे बढ़ते रहे। आपका धन्यवाद है, ऐसे सहयोग करते रहे हमारे सभी भाई। आगे का क्या प्रोग्राम है आपका? आगे का हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम राष्ट्रीय स्तर के तो आई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल दें और देश का नाम रोशन करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश यादव है, जो मैं आर्मी में कार्यरत हूँ अभी। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते युवक के साथ मारपीट की गई है। पीड़िता की मां ने पुलिस के मुखबिरों पर मारपीट का आरोप लगाया है। साथ ही बता दें कि मारपीट में घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़ित युवक की मां ने बता दी कि राड़ावड़ थाना क्षेत्र में तैनात दरोगा पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। घटना अलीगढ़ थाना के रोसावर इलाके की है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।